आप सभी को नमस्कार। असमिया के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कवि सनंत तांती जी हमारे बीच हैं। उनको मैं सबसे पहले बधाई देता हूं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए। सनंत जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने की खबर पाकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने के बाद मेरा प्रतिक्रिया कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सम्मानित हो गया है। साहित्य अकादमी ने मुझको पुरस्कार देकर राष्ट्रीय स्तर में मेरा नाम प्रतिष्ठा किया है। लेकिन ये बात सही है कि मैं पुरस्कार और अवार्ड के पीछे नहीं भागता। अवार्ड के लिए कुछ लोग भागते हैं, स्टेटस के लिए भागते हैं, अवार्ड मिलने के बाद स्टेटस बन जाती है, लेकिन मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए अवार्ड नहीं मिलने से भी मेरा कोई अफसोस नहीं रहता है। मैं अच्छा लिखने चाहता हूँ, मेरा कविता, मेरा लेखन, मेरा जो स्टैंडर्ड उसको ऊंचा करने चाहता हूँ, और वही लेखन मेरा रचनाएं पाठक वर्ग का मनोरंजन या उनका मानसिक स्तर में उनका जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए मैं सोचता हूँ, और समालोचक के लिए भी मैं खुश रहता हूँ। समालोचक मुझे मेरे कविता मेरे क्रिएशन के सम्मान करें, और मैं अच्छा लिखना चाहता हूँ कि मैं विश्व स्तर के रचना लिखना चाहता हूँ। उस रचना लिखने के बाद ही मेरा संतुष्टि होना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं लिखना सीख रहा हूँ। मैं ऐसा कोई लिखना चाहता हूँ जो विश्व स्तर में उनका प्रभाव। आपकी मातृभाषा उड़िया है और आपकी आरंभिक शिक्षा बंगला माध्यम से हुई, लेकिन आपने जीवन भर असमिया भाषा में कविताएं लिखी हैं। तीन भाषाओं के साथ अपने गहरे संबंध और आपकी कविता पर इनके प्रभाव के बारे में बताइए। मैं असम के बराकपुरी में पैदा हुआ, चाय बागान में पैदा हुआ। मेरे माता पिता ने उड़िया, मैं भी उड़िया कम्युनिटी से आया हूँ, और मेरे मातृभाषा उड़िया है। मैं ग्रामीण स्तर में घर पे उड़िया ही बोलते रहता हूँ, और बाहर में बंगला, क्योंकि मैं बंगला भाषी अंचल में पैदा हुआ हूँ, इसलिए बंगला से मेरा संपर्क हुआ। मेरा शिक्षा भी वही बंगला से हुआ, बंगला माध्यम में, क्योंकि हम जहाँ पैदा हुआ था वहाँ कोई उड़िया स्कूल नहीं था, हिंदी स्कूल नहीं था, इंग्लिश स्कूल नहीं था, केवल बांग्ला मीडियम था, बांग्ला स्कूल था, इसीलिए मैं बंगाली मीडियम में पढ़ाई की। और चाय बागान के संतान होने के बाद चाय बागान के मजदूर लोग विभिन्न राज्य से काम करने के लिए चाय बागान में आए थे, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब तरह, उड़ीसा, सब जगह के लोग चाय बागान में रहते थे। उसीलिए मैं सब भाषा के साथ मेरा परिचय हुआ, और मैं उसको जानता हूँ। फिर अब फिलहाल मैं वो सब भाषा थोड़ा भूल गया हूँ।